खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मामले में SC ST संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब SC ST संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत FIR दर्ज होगी और गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें, मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वतः FIR और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था और इस संशोधन कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। केस दर्ज होने ही के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर SC ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच जरूरी नहीं है। इसके साथ ही अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं होगा। अगर केस में बहुत जरूरी हो तो कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। जानकारी दे दें कि संशोधन के जरिए शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान फिर से जोड़ा गया था। सरकार द्वारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करके 20 मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के खिलाफ और नया सेक्शन 18A को जोड़ने के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी, जिसमें आज जजमेंट आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस पर बोला है कि अब एंटिसिपेटरी बेल दी जाएगी इस मामले में, और इसके अलावा जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पर बैन लगा हुआ था उसे अब ललिता कुमारी जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। और ललिता कुमारी जजमेंट पैरा 107 और पैरा 120 में बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अरेस्ट और FIR दो अलग चीज़ें हैं और कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। ये एक बेहतर जजमेंट है, 2-1 से जजमेंट आया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तो हमारे साथ अमित सिंह संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अमित, SC ST एक्ट में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है और अब जो पिछले बार इसमें 2018 में ये दायर की गई थी याचिका, उसको खारिज कर दिया गया है। अब किसी भी SC ST को किसी भी तरह से प्रताड़ना होती है तो वो तुरंत इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, FIR तुरंत की जाएगी और गिरफ्तारी भी होगी। जो मूल कानून था वो एक बार फिर से लागू हो गया है, उसमें जो केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट लेकर सरकार आई थी उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब SC ST एक्ट के संशोधन की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है और इसमें जो गिरफ्तारी का प्रावधान था कि FIR के साथ ही गिरफ्तारी, वो प्रावधान अब एक बार फिर से लागू हो गया है। लेकिन इसमें एक राहत ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अग्रिम जमानत को मंजूरी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 की जो संवैधानिक वैधता है उसको चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाकर केंद्र सरकार को एक बड़ा राहत दिया है। जी अमित, इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा और साथ ही इससे कितनी राहत पहुंच सकती है? इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के लंबित मामले होंगे उसको लेकर। देखिए, पिछले साल मार्च के महीने में कोर्ट ने SC ST कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर एक स्वतः FIR और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल बन गया था और जगह जगह हिंसक प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। उसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए बकायदे कानून में संशोधन किया गया था
और इसी संशोधन के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। संशोधित कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसे 2-1 से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और केंद्र सरकार ने जो संशोधन इस कानून में किया था, उस संशोधन को, उसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत है। और अग्रिम जमानत का प्रावधान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश ये की है कि चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।